Hello friends, welcome to Right Food and Right Mood. Myself is Ranjana Gupta. आज फिर से एक गुजराती डिश लेके हम आपके सामने आए हैं. आज जो हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है ढोकला, जो कि यूजुअली लोगों को बहुत पसंद होता है और स्वाद के साथ साथ ये सेहत से भी भरा हुआ है. आइए एक फटाफट से नजर मारते हैं इसमें क्या क्या चाहिए. इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप राइस, कोई भी छोटे दाना वाला राइस चलेगा. आधा कप चना दाल, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है उड़द दाल, 2 टेबल स्पून धुला हुआ मूंग दाल एंड 1/4 कप पोहा. पोहा एक्चुअली हम फर्मेंटेशन के लिए ले रहे हैं, इससे हमारा बैटर बहुत ही अच्छा फर्मेंट होगा. तो ये सब अच्छे से वॉश करके इन इंग्रेडिएंट्स को हमें 6 आवर्स के लिए सोक करके रखना है. ये देखिए मैंने इसको 6 आवर्स के लिए सोक करके रखा है. अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और बैटर रेडी करेंगे. अब पहले ये हाफ ऑफ द इंग्रेडिएंट्स मैंने जार में डाल दिया है. अब हम इसको ग्राइंड करेंगे. ग्राइंड करते वक्त मुझे इसमें 2 चम्मच कर्ड डालना है, थोड़ा थिक कर्ड हम डालेंगे, और साथ में हाफ बोल जितना ल्यूकवॉर्म वाटर हम डालेंगे ग्राइंड करते वक्त. देखिए मैं इसमें 2 स्पून कर्ड डाल रही हूँ और हाफ फूल, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, हाफ से भी थोड़ा कम इसमें आपको ल्यूकवॉर्म वाटर डालना है. अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे. देखिए मैंने पूरा दाल राइस सब कुछ ग्राइंड कर लिया है. अभी इसको हमने देखिए कंसिस्टेंसी का आपको बहुत ध्यान रखना है, ना ही ज्यादा थिक होना चाहिए ना ही इससे ज्यादा पतला होना चाहिए, तो भी हमारा ढोकला नहीं बनेगा. आप अच्छे से देख लीजिएगा, कंसिस्टेंसी शुड बी दिस मच. तो ये पूरा बैटर मैं बोल में निकाल लूंगी, ट्रांसफर इट टू सम अदर बिगर बोल, बिकॉज क्योंकि जब ये फर्मेंट होगा तो ये आटा हमारा और ऊपर तक आएगा. इसके लिए इसको मुझे बड़े बर्तन में शिफ्ट करना होगा. अब हम इसको 12 आवर्स के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे. 12 आवर्स हो चुके हैं बैटर को रखे हुए. अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिलाएंगे. थोड़ा हल्दी डाल रही हूं मैं. ग्रेटेड जिंजर, अब इसमें मैं ये छोटा चम्मच इनो डाल रही हूं. उसके ऊपर लेमन जूस डालेंगे. We'll mix it properly. ये बर्तन मैंने ग्रीस करके 5 मिनट के लिए प्री हीट करके रखा है. ये बैटर मैं इसमें इवनली स्प्रेड कर दूंगी. अब हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट पकने के लिए रख देंगे. एकदम फुल फ्लेम पे भी नहीं रखना है, इट शुड बी मीडियम. अब ये सेमी कुक्ड हो चुका होगा. ये लिड हटा के देखेंगे. लिड हटाते टाइम आपको ध्यान रखना है ये जो पानी है ये ढोकले के ऊपर नहीं आना चाहिए. जब ये सेमी कुक्ड है तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे. चॉप्ड कोरिएंडर, इसको वापस से लिड को ढक देंगे. आइए चेक करते हैं. अब हमारा ढोकला शायद बन चुका है. इसको चेक करने के लिए मैं टूथपिक से चेक करूंगी.
अगर इस पे कुछ भी नहीं लगता है तो इट मीन्स ये अच्छे से कुक हो चुका है। आई टर्न ऑफ द फ्लेम। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। अब ये ढोकला अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको हम इस प्लेट से बाहर निकालेंगे। विल कट इनटू पीसेस। देखिए ये कितना सॉफ्ट और कितना फाइन ढोकला बना है। कुछ लोग इसे थोड़ा कच्चा खाना भी पसंद करते हैं, जैसे मेरे घर में कच्चा ढोकला भी बहुत पसंद है खाना। तो थोड़े से पीसेस मैंने कच्चे निकाल लिए हैं, चौक लगाएंगे। तो देखते हैं वो कैसे तैयार करना है। ये मैंने ग्राउंडनट ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना है बिकॉज उससे टेस्ट खराब हो जाएगा। ये अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं थोड़े से राइस सीड्स डाल रही हूँ। इसको अच्छे से क्रैक होने देंगे थोड़ा तेल। ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने डाला है, विल स्प्रेड ऑल ओवर नाइसली इवनली। इसको चम्मच से थोड़ा अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब हमारा टेस्टी ढोकला खाने के लिए रेडी है। देखिए